नमस्कार दोस्तों, आईटीआई में डीजी में आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी हमारा जो डीसी जनरेटर का चैप्टर था वो टॉपिक ख़त्म हो चुका है। अभी हम आ गए अब डीसी मोटर्स में ले रहे हैं। तो दोस्तों, पहले दो वीडियो में हम उसके जो मेन मेन कंसेप्ट्स हैं डीसी मोटर के, उनके ऊपर हमारे सवाल रहेंगे। तो आइए दोस्तों, आज का हम टॉपिक शुरू करते हैं डीसी मोटर। क्वेश्चन नंबर 1, डीसी मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करती है? दोस्तों, डीसी मोटर भी हमारे विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करती है। जब किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो वह कंडक्टर घूमने का यत्न करता है। इसका मतलब ये है कि दोस्तों, जब हम एक मैग्नेटिक फील्ड है, यदि उसमें हमारा एक कंडक्टर रखते हैं, उसमें भी अगर करंट फ्लो हो रहा है, उस कंडक्टर में करंट फ्लो होने के कारण उसका खुद का एक चुंबकीय फील्ड बनता है। तो आप इसको इस तरह से लगता है कि दो चुंबक आपने रख दी, तो चुंबकों में आपस में क्या होगा, या तो आकर्षण होगा या प्रतिकर्षण होगा। इस कारण से जो हमारा रोटेटिंग पार्ट है वो घूमने लग जाता है। संरचना में डीसी मोटर और जनरेटर बिल्कुल समान रहते हैं। जो डीसी जनरेटर में हमने पार्ट्स देखे थे, सेम पार्ट्स डीसी मोटर में रहते हैं, केवल उसमें कूलिंग का सिस्टम थोड़ा अलग रहता है। जब हम डीसी मोटर में फील्ड तथा आर्मेचर दोनों को सप्लाई देते हैं तो आर्मेचर का खुद का भी एक मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है। इस प्रकार दो मैग्नेटिक फील्ड आपस में एक दूसरे के ऊपर तनाव आरोपित करते हैं, जिससे हमारा आर्मेचर घूमने लग जाता है, क्योंकि हमारा आर्मेचर एक रोटेटिंग पार्ट रहता है। आर्मेचर की घूमने की दिशा हम फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से ज्ञात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, डीसी मोटर में उत्पन्न विद्युत वाहक बल का सूत्र क्या है? जब आर्मेचर मैग्नेटिक क्षेत्र में घूमता है तो जनरेटर की भांति आर्मेचर के कंडक्टरों में भी प्रेरित विद्युत वाहक बल पैदा हो जाती है, जिसे हम बैक ईएमएफ या काउंटर ईएमएफ के नाम से जानते हैं। इसका सूत्र भी जो जनरेटर का प्रेरित विद्युत वाहक बल का सूत्र था वही रहता है, ई इज इक्वल टू 5ZnP/60A। दोस्तों, मोटर का जो बैक ईएमएफ होता है वो सदैव सप्लाई वोल्टेज के विरुद्ध कार्य करता है। यदि मोटर में बैक ईएमएफ पैदा ना हो तो हमारा आर्मेचर बहुत ज़्यादा करंट ड्रा करेगा, जिससे हमारा आर्मेचर और मोटर दोनों जल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, डीसी मोटर में बैक ईएमएफ तथा सप्लाई वोल्टेज में क्या रिलेशन है? तो दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। बैक ईएमएफ इज इक्वल टू वी माइनस में IRA। यदि हम सप्लाई वोल्टेज में से आर्मेचर ड्रॉप घटा देते हैं तो हमारा बैक ईएमएफ के बराबर रहता है, क्योंकि जनरली अगर सीरीज फील्ड भी है तो उसका रेजिस्टेंस बहुत कम रहता है, जिसको हम नेगलेक्ट कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। डीसी मोटर में अधिकतम पावर के लिए क्या कंडीशन है? दोस्तों, हम जानते हैं कि सप्लाई वोल्टेज का फार्मूला जो हमने पिछले सवाल में देखा था, EB+ IRA इक्वल टू V। अब हम दोनों तरफ से अगर IA से गुणा कर दें तो हमारा हो जाएगा VIA इक्वल टू EB IA+ I²ARA। VIA जो हमारा इनपुट पावर है, EB IA जो हमारा आउटपुट पावर है, जो कि आर्मेचर के ऊपर डेवलप हुआ है इलेक्ट्रिकली, और I²R हमारा कॉपर लॉस है। तो हमारी मोटर एफिशिएंसी को हम जानते हैं कि मोटर एफिशिएंसी का फार्मूला था आउटपुट अपॉन में इनपुट। तो आउटपुट हमारा क्या है, EB IA, और इनपुट क्या है, VIA। तो IA से IA कट गया, तो हमारी एफिशिएंसी क्या रही, EB/V। तो हमारी जो कंडीशन फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी, मैक्सिमम पावर क्या रहेगी, EB=V/2। लेकिन इस कंडीशन में हमारी एफिशिएंसी केवल कितनी रह जाएगी, 50%। इसलिए मोटर को हम कभी भी मैक्सिमम पावर के हिसाब से डिज़ाइन नहीं करते हैं। मोटर को हम जनरली एफिशिएंसी के हिसाब से डिज़ाइन करते हैं कि उसकी अधिक से अधिक हमें एफिशिएंसी मिले। मैक्सिमम पावर पे उसकी एफिशिएंसी हमेशा 50% रहती है। और दोस्तों, इस पर काफ़ी कंपटीशन में ये सवाल अक्सर पूछा जाता है, इसलिए मैंने आपको ये बताया है। क्वेश्चन नंबर 5, डीसी मोटर में उत्पन्न आर्मेचर टॉर्क का क्या सूत्र है? दोस्तों, वह बल जो कंडक्टर को अपने अक्ष के चारों ओर घुमाता है या घुमाने का यत्न करता है, घुमाव बल या टॉर्क कहलाता है। तो टॉर्क हमारा क्या रहता है, बल इंटू डिस्टेंस। टॉर्क इज इक्वल, टॉर्क को हम टी से डिनोमिनेट करते हैं, तो टी इज इक्वल टू F इंटू आर।
जो टोर्क की विमा रहती है वो न्यूटन मीटर होती है। दोस्तों हम जानते हैं कि पावर इज इक्वल टू पी बराबर ओमेगा टी। ओमेगा हमारा एंगुलर वेलोसिटी है जो कि हमारे 2 पाई एन से दिया गया है, 2 पाई एन रेडियन पर सेकेंड। और जबकि हमारा इलेक्ट्रिकल पावर क्या रहता है, पी इज इक्वल टू ई बी आई ए जो आर्मेचर के ऊपर डेवलप होता है। तो ये दोनों चीज़ें हम रखेंगे तो हमारे को टोर्क का फार्मूला मिल जाएगा। तो हमारा टोर्क का सूत्र क्या है, टी इज इक्वल टू 1/2 पाई इंटू में फाइव आई ए जेड अप पी अपॉन ए। 1/2 पाई का ना मान रहता है 0.159, हमें जो कि न्यूमेरिकल में काफ़ी काम आता है। दोस्तों ये यदि मैंने एक बार मोटर डिजाइन कर दी तो उसमें जेड पी और ए सब निश्चित रहते हैं, ये वेरिएबल नहीं रहते हैं। तो जो हमारा टॉर्क रहता है वो किसके समानुपाती हो गया, फाई आई ए के। हमारा टॉर्क फ्लक्स और करंट के मल्टीप्लिकेशन के समानुपाती होता है। क्वेश्चन नंबर 6, डीसी मोटर का फील्ड संयोजन के आधार पर वर्गीकरण क्या है। दोस्तों डीसी मोटर का डीसी जनरेटर की तरह हम वर्गीकरण कर सकते हैं। डीसी मोटर को भी जैसे जनरेटर में रहता है, एक सेपरेटली एक्साइटेड एक सेल्फ एक्साइटेड, दो वर्गों में बांट सकते हैं। सेल्फ एक्साइटेड को हम 3 वर्गों में बांट सकते हैं, शंट सीरीज एंड कंपाउंड। ये सब हम फील्ड के आधार पर करते हैं। कंपाउंड को भी हम सीरीज फील्ड कनेक्शन के आधार पर 2 वर्गों में बांट सकते हैं, लॉन्ग शंट और शॉर्ट शंट। और फिर लॉन्ग शंट को भी हम 2 भागों में बांट सकते हैं, कम्यूलेटिव कंपाउंड डिफरेंशियल कंपाउंड। इसी तरह से हम शॉर्ट शंट में कम्यूलेटिव कंपाउंड और डिफरेंशियली कंपाउंड। तो यह जो हमारा वर्गीकरण है, क्लासिफिकेशन है, बिल्कुल जैसे हमने जनरेटर में किया था उसी तरह से है। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं, डीसी मोटर में उपयोगी टॉर्क क्या कहलाता है। दोस्तों जो डीसी मोटर में जो टॉर्क उत्पन्न होता है वह उसमें से अगर हम विंडें जो बियरिंग का फ्रिक्शन लॉस घटा दें तो शाफ्ट पे जो हमें यूजफुल टॉर्क मिलेगा वह शाफ्ट टॉर्क कहलाता है। उत्पन्न टॉर्क में से यांत्रिक लॉस घटाकर मोटर की शाफ्ट पर जो उपयोगी टॉर्क होता है वह शाफ्ट टॉर्क कहलाता है। शाफ्ट टॉर्क का हमारा यहाँ पे फार्मूला है, शाफ्ट टॉर्क इज इक्वल टू आउटपुट पावर इंटू में 60/2 पाई एन। आउटपुट पावर हमें पता है ई बी इंटू आई ए, तो इस हिसाब से हम शाफ्ट टॉर्क भी निकाल सकते हैं। और एन यहाँ मोटर की स्पीड है। शाफ्ट टॉर्क का मात्रक भी न्यूटन मीटर होता है। दोस्तों एग्जाम में इस पे सवाल भी आता है, शाफ्ट पे हमारी आउटपुट पावर कितनी होती है और टॉर्क कितना रहता है। तो आउटपुट पावर हमें पता है ई बी इंटू आई ए रहेगा, और शाफ्ट टॉर्क क्या रहेगा, जो हम यांत्रिक लॉसेज है विंडेज एंड फ्रिक्शन लॉसेज निकाल देंगे तो हमारा आउटपुट शाफ्ट का टॉर्क भी आ जाएगा। डीसी क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं, डीसी मोटर में आर्मेचर धारा व लोड धारा के बीच में संबंध क्या है। तो दोस्तों हम पहले शंट मोटर का देखते हैं। शंट मोटर का जो मैंने डायग्राम बना रखा है उसमें अप्लाई वोल्टेज वी है, लोड करंट आई एल है। ये लोड करंट 2 भागों में जाके बट रहा है, आर्मेचर करंट और फील्ड करंट में। तो आई एल इज इक्वल टू आई ए प्लस में आई एस एच, जो हमारा फील्ड करंट है उसका मान क्या रहेगा, सब अप्लाई वोल्टेज अपॉन में फील्ड का रेजिस्टेंस। तो क्या हो जाएगा, आई एस एच इज इक्वल टू वी अपॉन में आर एस एच, जो हमारा टर्मिनल वोल्टेज है वो किसके बराबर होगा, बैक ई एम एफ प्लस में आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप के बराबर। तो वी इज इक्वल टू ई बी प्लस में आई आर ए। अब हम सीरीज मोटर का लेते हैं। सीरीज मोटर में हमारा लोड करंट, फील्ड करंट और आर्मेचर करंट तीनों सेम है क्योंकि मोटर सीरीज में है। और जो हमारा बैक ईएमएफ है उसका फार्मूला हो जाएगा वी इज इक्वल टू ई बी प्लस में आई ए आर ए प्लस में आई ए आर एस ए। क्योंकि सीरीज फील्ड तथा आर्मेचर का रेजिस्टेंस दोनों सीरीज में है इसलिए हमारे यहाँ पे ड्रॉप आई ए आई आर ए आएगा और आई ए आर एस ए आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का अगला पार्ट, लॉन्ग शंट जनरेटर। तो इसमें हम देखते हैं कि जो शंट फील्ड है वो आर्मेचर प्लस में सीरीज फील्ड के अक्रॉस लगा हुआ है। तो जो तो हमारा लोड करंट है 2 भागों में बटेगा, एक तो आर्मेचर करंट में एक फील्ड करंट में। तो आई एल इज इक्वल टू आई ए प्लस में आई एस एच। और जो हमारा टर्मिनल वोल्टेज होगा वह बिल्कुल जैसे हमने सीरीज मोटर में देखा था उसी तरह से रहेगा, वी इज इक्वल टू ई बी प्लस में आई ए आर ए प्लस में आई ए आर एस ए। इसी तरह अब हम शॉर्ट शंट में देखते हैं।
जो हमारा लोड करंट है वह भी दो भागों में बंटता है, एक आईएसएच में और एक प्लस में, एक आईए में। और जो हमारा आईएसएच रहेगा वो क्या रहेगा, शॉर्ट सर्किट में, ये थोड़ा अलग है यहाँ पे। जो हमारा आईएसएस रहेगा उसका क्रॉस वोल्टेज क्या है, वी माइनस में आईएल आरएसी। तो आईएसएस का फार्मूला क्या हो जाएगा, वी माइनस में आईएल आरएसी अपॉन में आरएसएच। और जो हमारा टर्मिनल वोल्टेज है वो क्या रहेगा, ईबी बैक ईएमएफ प्लस में आईएल आरएसी प्लस में आईआरए। दोस्तों इन तीनों चारों फार्मूलों की आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये याद हो जाएंगे, लेकिन ये मोटर के सॉल्व करने के लिए फार्मूले बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप इनकी प्लीज़ इनकी प्रैक्टिस कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। डीसी मोटर में टॉर्क एवं स्पीड के बीच में संबंध बताइए। दोस्तों काफ़ी इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, टॉर्क स्पीड पर निर्भर नहीं करता है लेकिन स्पीड टॉर्क के ऊपर निर्भर करती है, क्योंकि जब हम जितना ज़्यादा फोर्स लगाएंगे उतनी ज़्यादा स्पीड बढ़ेगी। दूसरा संबंध क्या है दोस्तों, हम बैक वी एमएफ में का फार्मूला देखते हैं, जो ई बी रहता था वो एन और फाई के समानुपाती था, तो अभी एन एन के समानुपाती क्या रहेगा, एन समानुपाती ई बी अपॉन में फाई। तो ये सबसे बड़ा इसमें फार्मूला है, ये आपको याद रखना है, एन इज प्रोपोर्शनल टू ई बी अपॉन में फाई। दूसरा क्या है हमारा, जो हमने अभी पिछले क्वेश्चन में टोर्क में देखा था, टोर्क इज प्रोपोर्शनल टू फाई इंटू आई ए। तो ये दो कंसेप्ट है, इन कंसेप्ट से दोस्तों हमें क्या समझ रहा है, पहली इक्वेशन हमारी क्या बोलती है, यदि हम फ्लक्स कम करते हैं तो हमारी स्पीड बढ़ती है और हमारा टॉर्क घटता है, लेकिन ये ऐसा संभव होना ही नहीं, संभव नहीं हो सकता, क्योंकि यदि टॉर्क घटेगा तो स्पीड भी घटनी चाहिए, या टॉर्क बढ़ेगा तो स्पीड भी बढ़नी चाहिए। तो ये इक्वेशन कैसे एक दूसरे को सेटिस्फाई करेंगी, चलिए इसका हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। दोस्तों जब हमारा फ्लक्स घटता है तो हमारा बी बैक ईएमएफ तुरंत कम हो जाता है, लेकिन आर्मेचर के भारी होने के कारण, जड़त्व आघूर्ण के कारण स्पीड में परिवर्तन नहीं हो पाता, तो हमारा स्पीड उस समय के लिए, थोड़े समय के लिए कांस्टेंट रहता है। अब हमारा बैक ईएमएफ कम होने के कारण जो हमारा आर्मेचर करंट है वो बढ़ जाता है, क्योंकि आईए का फार्मूला क्या है, वी माइनस में ई अपॉन में आर। तो बैक ईएमएफ जैसे कम हुआ हमारा आर्मेचर करंट बढ़ता है। मोर ओवर यदि फ्लक्स थोड़ा सा भी कम होता है उसके सापेक्ष करंट में वृद्धि बहुत ज़्यादा होती है, इस कारण से जो हमारा इस कारण से दोस्तों हम देखते हैं कि फ्लक्स में तो थोड़ी सी कमी हुई, करंट में ज़्यादा वृद्धि हुई, तो जो हमारा नेट टॉर्क में क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। तो जब टॉर्क बढ़ गया तो ऑब्वियसली हमारी स्पीड भी बढ़ी, इसलिए फ्लक्स कम करने पे हमारी स्पीड बढ़ती है। ये हमारा ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। डीसी सीरीज मोटर की विशेषता बताइए। तो डीसी सीरीज मोटर में हम टॉर्क और स्पीड की विशेषता देखते हैं और इनमें आपस में क्या संबंध होता है। दोस्तों जो हमारा टॉर्क रहता है वो किसके समानुपाती होता है, फाई और आई के मल्टीप्लिकेशन के समानुपाती होता है, लेकिन डीसी मोटर में जो फ्लक्स होता है वो आर्मेचर करंट के समानुपाती होता है। तो हम लिख सकते हैं कि टी समानुपाती आई स्क्वायर, मतलब कि जो हमारा टॉर्क रहता है वो आर्मेचर करंट के स्क्वायर के समानुपाती होता है। दूसरा हमारा जो स्पीड होता है, एन समानु बैक ईएमएफ ई बी अपॉन में फाई। तो इसका मतलब ये कि डीसी सीरीज मोटर में स्पीड बैक ईएमएफ के तो समानुपाती होती है तथा फ्लक्स के विलोमानुपाती होती है, मतलब कि रेसिप्रोकल रहती है। इसका मतलब यह है दोस्तों, जब फ्लक्स कम होगा तो हमारी स्पीड बढ़ेगी, ज़्यादा हो जाएगी, और जब फ्लक्स अधिक होगा तो स्पीड कम हो जाएगी। यदि इस मोटर को हम नो लोड या बहुत कम लोड पर स्टार्ट करें तब हमारा क्या रहता है, अगर नो लोड पर हम स्टार्ट करते हैं तो जो हमारा आर्मेचर करंट रहता है लगभग जीरो के बराबर रहता है, इसलिए हमारा फ्लक्स भी लगभग जीरो के बराबर रहेगा, क्योंकि फ्लक्स है आर्मेचर करंट के समानुपाती। इस स्थिति में हमारा क्या रहेगा, एन समानुपाती ई बी अपॉन में जीरो। तो हमारा जो एन है, स्पीड है, वो किसकी तरफ अग्रसर होगा, अनंत की तरफ। तो इससे स्पष्ट इस है कि जब हम मोटर को नो लोड पर चलाते हैं, डीसी सीरीज मोटर को, तो मोटर डेंजरसली हाई स्पीड अटेंड कर लेती है, हाई स्पीड पे घूमने लग जाती है, जिससे इस स्पीड पर
मोटर का मैकेनिकल डैमेज भी हो सकता है। इस कारण से डीसी सीरीज मोटर को कभी भी हमें नो लोड पे नहीं चलाना चाहिए और कभी भी बेल्ट ड्राइव ऑन लोड पे नहीं चलाना चाहिए, क्योंकि यदि हमारी बेल्ट टूट गई तो हमारी डीसी सीरीज मोटर वेरी हाई स्पीड गेन कर लेगी, जिससे मैकेनिकल हमारा मोटर डैमेज हो सकता है। दूसरा, हमें डीसी सीरीज मोटर एक उच्च स्टार्टिंग मोटर होती है। क्यों होती है दोस्तों? हमने देखा कि टॉर्क समानुपाती होता है फाई इंटू आई के, और फाई जो फ्लक्स रहता है वो हमारा आर्मेचर करंट के समानुपाती होता है। तो हमारा नेट फार्मूला क्या बनता है? टॉर्क समानुपाती आई स्क्वायर के आर्मेचर करंट के वर्ग के समानुपाती हो जाता है। इसलिए डीसी सीरीज मोटर में टॉर्क स्टार्टिंग में करंट के वर्ग के समानुपाती होता है। इसलिए डीसी सीरीज मोटर का हमेशा स्टार्टिंग टॉर्क उच्च रहता है। इस कारण से यह भारी लोड को चलाने में बहुत ही एप्लीकेबल मोटर होती है। दोस्तों, ये जो हमने ग्राफ बना रखा है टी टी वर्सेज आई का, इसमें आप देख रहे हैं कि शुरू शुरू में ये जो टॉर्क रहता है वो आई स्क्वायर के समानुपाती होता है। तो जो इसकी फिगर होती है वो पैराबोला कहलाती है, पैराबोला टाइम में बढ़ती है। बाद में जब आर्मेचर करंट बहुत ज़्यादा होता है तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड सेचूरेट हो जाता है, तो हमारा फील्ड इतना बढ़ता नहीं, तो जो हमारा टॉर्क है वो सिर्फ आर्मेचर करंट के समानुपाती हो जाता है। तो हमारा ग्राफ क्या है, एक स्ट्रेट लाइन में चला जाता है। दूसरा, जो हमने पिछले अभी देखा था कि जो स्पीड होती है वो फ्लक्स के व्युत्क्रमानुपाती होती है, तो जो उसका ग्राफ आता है वो हाइपर पैराबोलिक टाइप में आता है। तीसरा, अब हम डीसी सीरीज मोटर का मैकेनिकल करेक्टर देखते हैं, जो कि एन और टी के बीच में है। यह स्टीप हाइपर पैराबोलिक टाइप होता है इसका कर्व। दोस्तों, डीसी सीरीज मोटर की सबसे खूबसूरती की बात यह है कि जब इस पर कोई मैकेनिकल लोड पड़ता है तो इसका टॉर्क भी बढ़ता है, क्योंकि लोड बढ़ने पर इसका आर्मेचर करंट बढ़ेगा, आर्मेचर करंट बढ़ेगा तो इसका टॉर्क भी बढ़ेगा, तथा इसकी स्पीड कम हो जाती है, क्योंकि हमने देखा था एन इज एन आर्मेचर करंट के व्युत्क्रमानुपाती होती है, तो करंट बढ़ेगा तो एन हमारा ऑटोमेटिक कम हो जाता है। इस प्रकार यह मोटर हैवी लोड पर भी चलती है, बाकी अन्य कोई मोटर हैवी लोड पर नहीं चल पाती। तो डीसी सीरीज मोटर की सबसे बड़ी खासियत है कि हैवी लोड पर भी स्पीड का सेक्रीफाइस करके चलती रहती है। तो दोस्तों, तीन कंसेप्ट हमारे क्लियर हो गया, जो स्पीड रहती है वो फ्लक्स और आर्मेचर करंट के विलोमानुपाती होती है, जबकि टॉर्क रहता है करंट के वर्ग के समानुपाती होता है। इस प्रकार कई बार क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, आपको ये याद रखना है। इसका अगला खासियत डीसी सीरीज मोटर का, डीसी सीरीज मोटर में स्पीड कंट्रोल बड़ी आसानी से कर सकते हैं, इसलिए इस मशीन से वेरिएबल और एडजस्टेबल स्पीड पाना संभव है। तो डीसी सीरीज मोटर का रेलवे में सबसे ज़्यादा यूज करने का कारण यही है कि इससे स्पीड कंट्रोल बड़ी आसानी से हम कर सकते हैं। अब इसका लास्ट का, इसका उपयोग, डीसी सीरीज मोटर का उपयोग कहाँ कहाँ होता है? उच्च स्टार्टिंग टॉर्क होने के कारण इसका उपयोग भारी कार्यों में किया जाता है, जैसे रेलवे इंजन, खदानों के उत्तोलक, लगातार कन्वेयर्स, क्रेन, रोलिंग मिल, धात्विक उद्योगों आदि में किया जाता है। दोस्तों, पावर इलेक्ट्रॉनिक और वीवीएफ ड्राइव आने से पहले ऐसे सभी भारी कारों में जिसमें स्टार्टिंग में हाई टॉर्क चाहिए, वहाँ पे डीसी सीरीज मोटर ही हमारे पास में एक ऑप्शन था। दोस्तों, आपने यूनिवर्सल मोटर का नाम सुना होगा, जो डीसी पर भी चल सकती है और एसी पर भी चल सकती है। बेसिकली वो एक डीसी सीरीज मोटर होती है, क्योंकि उसमें आर्मेचर और फील्ड में दोनों एक समय करंट चेंज होता है, दोनों में एक साथ डायरेक्शन चेंज होती है, तो हमारा टॉर्क हमेशा सदैव पॉजिटिव रहता है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने वैल्यूबल सुझाव अवश्य कमेंट बॉक्स में लिखिए। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।